आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से आजादी के बाद जितने भी किसान किसी भी घटना में किसी भी रीजन में हत्या हुई हो या उनकी आत्महत्या हुई हो, उन सारे परिवारों को जिनकी संख्या लाखों में है, मैं जब यहां बोलने खड़ा हुआ हूं तो एक किसान के बेटे के नाते मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी असीम श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री रहे 10 साल तक दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने बहुत सारी बातें यहां पर गिनाई हैं और सीधे सीधे कहा है उन्होंने कि मेरी मर्जी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, मर्जी तो अब उन्हीं की चलेगी जिसको जनादेश मिला है, और आपकी हठधर्मिता यह है कि आप अपनी मर्जी थोपना चाहते हैं और जनादेश मान नहीं रहे हो, दिल में उथल पुथल चल रही है। यह क्या हो रहा है? आज भी जब शपथ समारोह हो रहा था तो मैं चेहरे देख रहा था, ये क्या हो रहा है, राष्ट्रपति कैसे बन गए, आश्चर्य लग रहा है। देश के जनादेश का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है, ना मुझे है ना आपको है। मेरी सरकार, इस देश की सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है, मैं नरेंद्र मोदी जी के वाक्य से ही शुरू करता हूं। किसानों और गांव की स्थिति में बदलाव लाना भारत सरकार की प्राथमिकता है। परंपरागत कृषि के साथ आधुनिक तकनीक का ये जब आपने जिक्र किया सेंट्रल हॉल का, जब नए राष्ट्रपति शपथ ले रहे थे तो किसी का चेहरा उतरा हुआ, सब प्रसन्न थे। ये चीज आप यहाँ से मत कहिए लोगों को, ये बात का समर्थन वो पार्टी के राष्ट्रपति नहीं है, देश के राष्ट्रपति। मैं समझ गया, उनका सम्मान, सबको प्रसन्नता है। हमारे साथी रहे यहाँ 10 साल 12 साल यहाँ रहे, मुझे खुशी है। अब वो लाइन निकलवा दीजिए, वो लाइन निकलवा दीजिए निकलेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि देश के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति बेहतर बनाई जाएगी, डिजिटल इंडिया का फायदा किसानों को दिलवाने के लिए कोई अनेक कदम उठाए जाएंगे। सबसे पहला काम उन्होंने किया कि प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि एवं किसान मंत्रालय कर दिया। हमारी सरकार की मंशा इसी से जाहिर होती है। अब मैं उम्मीद भी यही करता हूं, सच सुनने की ताकत होनी चाहिए, सच जरा सुनिए। जब आपने मुल्ताई गोलीकांड की, सॉरी, आपने मंदसौर गोलीकांड की बात की, आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा, जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं दिग्विजय सिंह जी थे, 12 जनवरी 1998 को 24 किसानों को गोली से मारने का काम किसके मुख्यमंत्री काल में हुआ था, हम ये जानना चाहते। आप थे मुख्यमंत्री, ये कोई आपने कोई जानबूझ के नहीं मारा था, या शिवराज सिंह जी ने जानबूझ के नहीं मारा था। ऐसी घटनाओं को राजनीतिक रंग देना, कोई मुख्यमंत्री ऐसा क्रूर या प्रधानमंत्री नहीं हो सकता जो किसानों की हत्या करे। और इसलिए मैं दिग्विजय सिंह से निवेदन करूंगा, आपके उस समय हम लोग थे, विपक्ष में थे, आप थे, हमने कभी नहीं कहा कि आपने मारा। अब ऐसा लग रहा है जैसे हम लोगों ने जानबूझ के, जबकि भारत में यदि कोई सबसे पहला राज्य है, आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात की, सबसे पहला राज्य है जिसने स्वामीनाथन रिपोर्ट से 2 कदम आगे, मैं आऊंगा उस पर एक एक चीज पर, अपने निर्णय लिए हैं। खाली रिपोर्ट का हवाला देकर बात नहीं करते, मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट की अनुशंसा का एक एक लाइन पढ़ूंगा और हमारी सरकार के किए गए कार्यों का उससे तुलनात्मक वो भी बताऊंगा आपको। साइंस हेल्थ कार्ड, फसल बीमा योजना, ई नाम, जैविक खेती, नीम कोटिंग, हमने नहीं सुना था कभी इस 3 साल में यूरिया को लेकर कहीं कोई दंगा फसाद हुआ। अरे कुछ तो अच्छा कहिए कि सरकार ने, मैं कभी कभी सोचता हूं 3 साल हो गए, एक भी काम हमने अच्छा नहीं किया।
जनता के बीच में कहिए, जनता जवाब देती है और फिर आपको जवाब देगी, लेकिन जवाब के बाद भी आप समझने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, पशुधन योजना, कृषि को किसानों के लिए एक लाभप्रद व्यवसाय में परिवर्तित करने के लिए अहम भूमिका योजना। फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है 3 साल में, रिकॉर्ड उत्पादन। 2016-17 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार इस साल बम्पर फसल हुई है, रिकॉर्ड 271.98 मिलियन टन अनाज के उत्पादन का अनुमान है, जिसमें चावल का 108.86 मिलियन टन और गेहूं का 96.64 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। मोटे अनाजों का भी मुझे अच्छा लगा जब आपने कहा माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कि दलहन की तरफ किसानों का रुझान बढ़ा, और बढ़ा। जरा सी दाल की कीमत बढ़ गई थी नाक में दम, अब किसान पैदा किया है और आपने देखा होगा कि उसके समर्थन मूल्य में भी भारत सरकार किसानों के हित के लिए सबसे आगे आई है। पिछले सालों में दालों के उत्पादन में कमी हुई थी जिससे दालों का आयात करना पड़ा था, लेकिन इस साल रिकॉर्ड उत्पादन 22.14 मिलियन टन उत्पादन हुआ है। तिलहनों का भी उत्पादन रिकॉर्ड 33.60 मिलियन हुआ है, मिलियन टन। न्यूनतम समर्थन में जो आपने कहा मूल्य वृद्धि हुई है माननीय दिग्विजय सिंह जी, कृषि उत्पादन में किसानों की आय को सुनिश्चित बनाने रखने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में अच्छी खासी बढ़ोतरी की गई है जो पहले कभी नहीं की गई थी। 2016-17 की खरीफ फसल की दाल में अरहर के समर्थन मूल्य को 4,625 रुपये से बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। उड़द के मूल्य को 4,625 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति क्विंटल और मूंग के लिए 4,850 रुपये से बढ़ाकर 5,250 रुपये तक कर दिया गया। ये क्या किसानों के हित में लिए गए निर्णय नहीं है? इतना ही नहीं है, आप जरा किसान चैनल देखिए, जो मोदी के विजन से निकला किसान चैनल आज किसानों के जानकारी के लिए एक एक नई नई चीजें दे रहा है। नहीं बोलेंगे आप, मैं जानता हूं देश की आत्मा को समझने की शुरुआत भारत के गांव देहात से होती है। 70 साल में अनेकों साल आपने खाली कहा कृषि प्रधान देश, लाल किले की प्राचीर से। अगर कृषि प्रधान देश में कृषि की अगर ये हालत है तो मैं जानना चाहता हूं निवेदन से, विनम्रता से, कि इस देश में शासन किसने सर्वाधिक किया, कौन है जिम्मेदार? हमसे 3 साल में आप सवाल पूछ रहे हो, अटल जी के 6 साल में फसल बीमा कहां आई थी, क्रेडिट किसान की क्रेडिट कार्ड कौन लाया था? आपने कभी ऐसा कुछ किया नहीं। अगर इस देश के किसानों की दयनीय हालत के लिए सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार है जो इस देश में सर्वाधिक वर्षों तक सत्ता में रहे हैं, वे जिम्मेदार है। इसी आधार पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने मंत्र दिया था कि हर खेत को पानी, हमारी सरकार इस मूल मंत्र पर चल रही है, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, और इसी अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हल के पीछे चल रहे आदमी की सुध ली, जो हल के पीछे चलता है, जो माटी पुत्र है, जो हमें अन्न देता है, हम कहते तो अन्नदाता हैं, लेकिन उन अन्नदाताओं के तकदीर को बदलने के जितने फैसले इस 3 साल में हुए हैं आपके 60 साल के राज में कभी नहीं हुए। 26 मई 2015 को शुरू किया गया 24 घंटे का यह चैनल किसानों में नई जागृति दे रहा है, नई भावना पैदा कर रहा है। इतना ही नहीं है, देव प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश के इतिहास में पहली बार किसानों की भलाई के लिए नई फसल बीमा, फसल बीमा आपने भी लागू की थी, हमने एक शब्द जोड़ा, नई फसल बीमा योजना। और यदि किसान इस योजना से जुड़ गए हों तो कोई भी प्राकृतिक आपदा उसे डरा नहीं सकती। आज तक किसान को निर्भीक नहीं बनाया गया, पहली बार खलिहान में खराब होने वाली फसल के लिए फसल बीमा की बात अगर किसी की तो भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि मंत्रालय ने की, और उन्होंने की है। आपने तो क्या फसल बीमा कैसे देते थे, अच्छा अच्छा कर्जा है फसल बीमा उसी में काट लिया। अब फसल बीमा का पैसा किसान के कर्ज नहीं काटा जाता। इतना ही नहीं, मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं, हम किसानों के कैसे हितैषी हैं।
भारत में आपने भी अनेक राज्यों में राज्य किया है। मैं बताना चाहता हूं, मैं उस राज्य का नाम जानना चाहता हूं जो 0% ब्याज पर किसानों को पैसा देता हो। अगर वो राज्य है तो उसका नाम है मध्य प्रदेश, भाजपा शासित, और छत्तीसगढ़ दूसरा। इतना ही नहीं, सबको आश्चर्य होगा, अगर 1,00,000 रुपए यदि आप कर्ज लेते हैं तो आपको मध्य प्रदेश सरकार को सिर्फ 90,000 वापस करना है, 10,000 तत्काल उसको। ये किसने फैसला किया है? नहीं नहीं नहीं, अरे मोदी वहां छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन ये तो योजना सिर्फ मध्य प्रदेश में है। इतना ही नहीं, प्याज सड़ रहा था, किसान बंपर पैदा किया, फेंकने जा रहा था, किसान की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने फैसला किया कि प्याज को 8 रुपए किलो हमने मध्य प्रदेश की धरती पर खरीदा। हम किसान के हितैषी हैं या आप हितैषी, या आपको तय करना है। प्याज भंडारण जगह नहीं थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि सड़ेगा लेकिन किसान को मरने नहीं देंगे, किसान जिंदा रहेगा तो फिर से प्याज उगाएगा और असल और अलग फसल उगाएगा, लेकिन उसे मरने नहीं देंगे। गर्मी के मूंग भी 5,225 के प्रति क्विंटल एवं उड़द 5,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से हमारी सरकार ने वहां पे खरीदा है। किसानों को 50% नगद एवं शेष RIGS यानी नीट के द्वारा प्रतिदिन भुगतान किया जा रहा है। 1,000 करोड़ की लागत से भारत में किसी राज्य ने नहीं किया है। हम आपको बताना चाहते हैं, भाजपा शासित राज्य ने निर्णय लिया है कि मूल्य स्थितिकरण कोष बनाया जाएगा। आपने कहा कि लागत कितनी, हमारी लागत कितनी होगी किसान की, अगर घाटा होता है तो ये जो हमने बनाया है मूल्य स्थितिकरण को, उसमें हम जाकर उसके किसान की भरपाई करेंगे। हमने एक ऐसा फैसला भी किया है कि उसकी जो उगाई होगी, वो जो फसल पैदा करेगा, उसका कितना खर्च हुआ, इसका अध्ययन भी वहां पर किया जाएगा। और ये घोषणा की गई है कि किसान को घाटा नहीं, किसान को फायदे में खरीद कर देंगे, चाहे सरकार को अपनी तरफ से कुछ भी करना पड़े। कृषि ऋण सुनिए, अब जो देखिए, आपने कर्ज माफी की बात की, हमारे महाराष्ट्र में हुआ, यूपी में हुआ, मध्य प्रदेश का देखिए, एक मिनट, मैं बोल लूं उसके बाद बोलिए ना। मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश भारत का वो राज्य है जो भाजपा शासित राज्य है, उसके यहां पर किसान कितने दमदार है वो बताना चाहता हूं। वहां के किसान ने कहा कि हम 78% किसान कर्जा चुकाते हैं, इसलिए हमें कर्जा नहीं। 50,000 किसानों के बीच में किसानों से मुख्यमंत्री ने पूछा कि आप फसल की लागत चाहते हो या कर्ज माफी। सारे किसानों ने साजापुर में हाथ उठाकर कहा कि हमें उचित दाम चाहिए, कर्ज माफी नहीं, हम किसी की दया पर जिंदा नहीं रहना पाते। उसके बावजूद आप सुनकर आश्चर्य करोगे, कितना कर्जा होगा, 11,000 करोड़, 12,000 करोड़। हमारे राज्य में हमारी सरकार, भाजपा सरकार ने एक वर्ष में किसानों को कितनी राशि दी है मालूम आपको, उनके मुआवजा के नाम पर 18,840 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों को दिए हैं। आप कह रहे हो कर्जा माफी, अब ये जानना चाहते हो, अब आप अच्छा, कृषि कृपण पुरस्कार किसने दिया हमको? जब माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और कृषि मंत्री भी, उस समय 2 बार पुरस्कार मिला। थोड़ी शाबाशी भी तो दे दिया करिए, अरे 6 दिन झापड़ मारते हो, 1 दिन तो प्यार कर लो, झूठे सही कर लो, कुछ तो कर लो। मुझे क्या लगता है, ये गांधी जी के शिष्य हैं आप लोग, ऐसा कहते हैं, शिष्य तो हम लोग भी हैं, कि गांधी जी कहते थे कोई एक मारे तो दूसरा भी दिखा देना, यहां तो मारने ही नहीं देंगे और मारते हैं तो दोनों ही फोड़ देते हैं। ये नहीं करिए, मेरा एक ही निवेदन है सदन से कि अगर अच्छी बात होती है तो उसे कहने का ताकत भी होना चाहिए। अब आपने स्वामीनाथन की बात की, स्वामीनाथन रिपोर्ट में कहा गया है कि भू स्वामी से लेकर जो स्वामित्व है, भू स्वामित्व वो किसानों का होना चाहिए। हमारी सरकार ने कहा है
कि विकास योजनाओं के या औद्योगिक विकास क्षेत्र या किसानों की भूमि जो नगरीय है उस जबरदस्ती अधिकृत नहीं किया जाएगा, ये कैबिनेट का फैसला है। अब मुझे बताइए स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात मानी कि नहीं मानी। किसानों के आबादी पट्टे दिए जाने थे, ये स्वामीनाथन रिपोर्ट में कहा गया, हमने बन के पट्टे दिए, हमने अन्यान पट्टे बांट दिए। आप बताइए स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात हमने मानी कि नहीं मानी। वनवासियों से जाके पूछिए सारे पट्टे। माननीय दिग्विजय सिंह जी, आप मुख्यमंत्री थे, मैं उस समय भाजपा का काम करता था, आपने घोषणाएं की, आपके जमाने की घोषणाओं के पट्टे हम बांट रहे हैं। ईमानदारी से नियत हमारी साफ है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों की सबसे बड़ी हमदर्द पार्टी कोई है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। स्वामीनाथन आयोग द्वारा एक मिनट नेशनल लैंड यूज एडवाइजरी सर्विस बनाने की बात की गई थी। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने इसकी ओर अमल किया है। स्वामीनाथन आयोग द्वारा किसानों को जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अनुशंसा की गई थी। मध्य प्रदेश पहली सरकार है जिसने इस अनुशंसा के अनुसार काम किया है। इतना ही नहीं, स्वामीनाथन आयोग द्वारा किसानों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु जो भी अनुशंसा की गई थी उसे बड़े कलेजे से अगर किसी ने स्वीकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने। इतना ही नहीं, मैं बहुत गिना सकता हूं, मैं कुछ मोटी मोटी बातें कहना चाह रहा था। नहीं, आराम से। अब आपने कहा क्या किया, देश के दूध उत्पादन में विश्व में आज पहले स्थान पर कौन है हम जानने चाहते हैं, उसका नाम है भारत। और जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, दूध 2015-16 में 155 मिलियन टन दूध का उत्पादन अगर किसी ने किया है आपके हमारे भारत ने किया है, आप ऐसा मत कहिए कि कुछ नहीं हो रहा है। फल और सब्जियों में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, उसका भी नाम भारत है। 254 मिलियन टन का उत्पादन आज भारत करता है। चावल उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, वह भी भारत ही है। अब लगातार मैं गिना रहा हूं आपको, मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है, अंडों के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पांचवा है। इसलिए देश में खाद्य प्रसंस्करण की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें देखते हुए मोदी सरकार ने पिछले सालों में नई नीतियां निर्णय लिए जिनके परिणाम आशा के अनुसार आ रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण में 100% विदेशी निवेश की छूट दी गई है। देश में खाद्य उत्पादों के उत्पादन और खुदरा बिक्री में भी 100% विदेशी निवेश की छूट दी गई है। कई प्रकार के करों में भी छूट दी गई है। इन नीतियों के परिणाम हैं कि जनवरी 2017 तक देश में 42 मेगा फूड पार्कों पर विभिन्न स्तरों पर काम किया गया है। जनवरी 2017 तक 200 से अधिक कोल्ड चेन विकसित किए जा रहे हैं। किसानों को हर स्तर पर सहयोग देकर मोदी सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने का वादा किया है। अभी माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि 2019 में क्या होगा। दिग्विजय सिंह जी, आप तो इतने पढ़े लिखे इंजीनियर, मुख्यमंत्री, सांसद, क्या क्या नहीं रहे, गांव के गरीब गवार से पूछेंगे आप कि 2019 में किसकी सरकार बनेगी, वो ताली बजाते हुए आह्लादित होकर नाचते हुए कहता है नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। आप राजनीतिक हो सकते हैं, भारत का आम नागरिक राष्ट्र नीति से जुड़ा होता है, वो देखता है, उसकी पेनी निगाह होती है। आपकी हमारी राजनीतिक निगाह हो सकती है लेकिन आम नागरिक की निगाह पेनी नहीं होती। मैंने नहीं कहा, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अरे विरोधियों एक हो जाओ नहीं तो क्या होगा, 2019 तो गई 2024 भी जाएगा। ये मैंने नहीं कहा। इसलिए जनवरी 2017 तक किसानों को हर स्तर पर सहयोग देकर मोदी 2019 तक तो एक होने की जरूरत नहीं है। अब एक कितने हैं वो तो पता लग गया। अभी दो मिनट स्पीकर, जैविक उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए भारत सरकार ने जैविक खेती के विकास के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है। 2015 से 2018 तक 1 लाख समूहों के अंतर्गत
5,00,000 एकड़ क्षेत्र को जैविक खेती के दायरे में लाने का काम चल रहा है। अब तक राज्य सरकारों ने 7,186 समूह के माध्यम से 3.59 लाख एकड़ भूमि को जैविक खेती के दायरे में ला चुकी है। देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों की भौगोलिक दशा को देखते हुए जैविक खेती पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसके लिए 2015 से 18 तक 400 करोड़ रुपए की परियोजना चल रही है। 2015 से 17 तक 143.13 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, जिसमें 2016-17 तक 1975 समूहों के माध्यम से 39,969 किसानों की जैविक खेती का विकास होगा। अब आप बार बार कह रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ। मैं अगर गिनाने लगूं तो 3 साल में जितने भी कैबिनेट मीटिंग हुई है, हर कैबिनेट में अगर सबसे ज्यादा इस सरकार ने फैसला लिया है, तो कैबिनेट के डिसीजन उठा के देख लीजिए, वो सिर्फ भारत के 67% किसानों के हित में लिए गए फैसले हैं। और अपने आप 10 साल के फैसले उठा लीजिए। एक छोटी सी बात कह के कि मेरा रिकॉर्ड नहीं है, मैंने कोई रिपोर्ट नहीं देखी, देश के सर्वे को तो देख लीजिए। अगर इतने गंदे प्रधानमंत्री हैं तो विश्व के सर्वे रिपोर्ट में यह बात क्यों आ रही है कि इस विश्व का सर्वाधिक प्रिय कोई नेता है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और भारत के 73% और उसमें से 54% किसान, वो 54% किसान कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी बना रहा तो 2022 में हमारी आमदनी दुगनी कौन करेगा? नरेंद्र मोदी। आप मत करिए, आप चिंता मत करिए, इस देश ने जनादेश दिया है, उस जनादेश को फलीभूत करने के लिए एक एक निर्णय करेंगे। और भाजपा शासित राज्य, पहले हमारे बारे में कहा जाता था भाई, एक आखिरी लाइन, कि ये सरकार में आते नहीं है, आते हैं तो चलाते नहीं है, बीच में ही भाग जाते हैं। माननीय दिग्विजय सिंह जी, अब हम सरकार में आते भी हैं, चलाते भी हैं, दोबारा भी आते हैं, और अब आते रहेंगे और आप वहां बैठते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।